हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कॉन्टिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे, हमने लाइट के बारे में समझा था, के साथ साथ हमने जो है आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम डिस्कस कर लिए थे, वस्तु और प्रतिबिंब की कॉन्सेप्ट को जाना था, ठीक है। इसके बाद हमने जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं जानी थी, कि विशेषताएं क्या होती है ये देख ली थी। अब हम जो है इन फॉर्मूले के बेस में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। यानी एक ऑटोमोबाइल के पीछे पार्श्व ऑटोमोबाइल का पार्श्व दृश्य दर्पण देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। यानी एक वाहन है, गाड़ी है, उसपे आपका कॉन्वेक्स मिरर लगा है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर लगा है, उत्तल दर्पण लगा है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 3 मीटर, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, अगर बस को 5 मीटर की दूरी पे रखा गया, कहां से, दर्पण से, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको ये बताना है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, उसका नेचर यानी उसकी प्रकृति क्या होगी और उसका साइज क्या होगा। यदि एक बस इस दर्पण को 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले R का मान दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, 3 मीटर। इसके साथ साथ आपको U का मान दिया गया है, U कितना है, 5 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, V निकालना है, ठीक है, और नेचर निकालना, ठीक है। अब R आपको दिया गया है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो आपका मिरर फॉर्मूला है उसका उपयोग करके हम वी का मान निकाल सकते हैं, पर वहां पे आपको क्या चाहिए, यू चाहिए और एफ। एफ आप आर से निकालेंगे, आप क्या जानते हैं, एफ इक्वल्स टू होता है आर बाय टू, 3/2 यानी 3/2, कितना आएगा, 1.5 मीटर, ठीक है, 50 मीटर ले लेते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हम 2 डिजिट तक छोड़ें, तो ये आपका एफ आ गया। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, तो 1/V एज इट इज रख देंगे, 1/U। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, साइन U आपका नेगेटिव में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जैसे ये आपका उत्तल दर्पण है तो वस्तु कहाँ रखी जाती है, पोल से लेफ्ट साइड, पाइन, तो ये आपका नेगेटिव में होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है U का मान नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें R की और F की, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आपका जो उत्तल दर्पण है उसकी बात हो रही है, और हमने ये पढ़ा है, अभी डिस्कस किया था कि जो उत्तल दर्पण होता है यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, तो ये आपको पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको साइड का। 1/U, U नेगेटिव में आएगा, कितना है, -5, ठीक है, तो 5,
कितना है? 1.50 मीटर, ठीक है, पॉजिटिव में, 1 upon v equals to 1 upon 1.50, ठीक है, ये आपका इधर आ जाए तो माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस 5.0, सॉल्व करेंगे 1 upon v equals to 1 upon 1.50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 upon 5.0, ठीक है। अब ऐसे हम लेंगे 1 upon v equals to, ये आएगा आपका 1 upon v equals to 65 by 75, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा 75 by 65, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो v आ गया 15/13, इसे और सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा 1.153 मीटर, ठीक है, तो ये आपका वी का माना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वी का मान कैसा आया है? 1.153, जो कि पॉजिटिव, ठीक है, यानी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे यानी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, ये आपको कहां से पता चला? क्योंकि आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे m equals to minus v upon u, कितना है? माइनस 1.153, u कितना है? माइनस 5, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, इसे दो डिजिट तक ही ले लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ये आ गया 115/5, ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.5।
2 3, क्योंकि क्या है, लेस देन वन है, यानी इमेज कैसा आएगा आपका, डिमिनिश यानी छोटा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर m की वैल्यू 1 से कम होती है, यहाँ पे आपने पढ़ा, देख अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा, जो इमेज है उसका साइज छोटा होगा वस्तु, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं कि कमी आई है, तो यानी प्रतिबिंब आप लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, ठीक है, अब मैग्निफिकेशन आप देख सकते हैं पॉजिटिव आया है, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, वस्तु के आकार से छोटा होगा तथा सीधा हो, फाइनल लिखेंगे इमेज विल बी सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर and will be virtual, erect and diminished, ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा यानी आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वस्तु के आकार से छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा, ठीक है, ठीक है, अब आभासी क्यों हुआ, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई, ठीक है, छोटा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्निफिकेशन एक से कम है, आवर्धन एक से कम है, इसलिए छोटा, ठीक है, आप इसे नोट करें, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो आपका अगला प्रश्न है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी एक वस्तु है उसका आकार 4 सेंटीमीटर है, उसे दर्पण यानी अवतल दर्पण के आगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस अवतल दर्पण का, ध्यान देना आपको, अवतल दर्पण का फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी जो दर्पण है दर्पण से कितनी दूरी पर स्क्रीन को रखना चाहिए, पर्दे को रखना चाहिए, ताकि जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो वो बिल्कुल अच्छा हो यानी शार्प हो, ठीक है, अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब का नेचर और साइज यानी प्रकृति और आकार भी आपको बता, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, दर्पण से कितनी दूरी पर
पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट का हाइट एच ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को यानी वस्तु का जो साइज है 4 सेंटीमीटर। अब यू का मान दिया गया है, यू कितना है 25 सेंटीमीटर। हाइट आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि वस्तु को आप ऊपर रखते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। यू का मान नेगेटिव में होगा क्योंकि यहां पर ये आपका दर्पण है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोकस आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, वस्तु को आप यहीं पे रखेंगे, यहां से आएगी किरण, यहाँ पे रखेंगे और पोल से इसे मापेंगे, पोल से मापेंगे तो जो आपका यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, यू नेगेटिव होता है हर केस। नेक्स्ट ये आपको दिया गया है, आपको वी का मान बताना है, ठीक है, वी का मान आपको बताना है। ठीक है, आपको एफ का मान भी दिया गया है, फोकल लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ दिया गया है, आप देख सकते हैं एफ आपके पास है, एफ दिया गया है आपको, यू दिया गया है, एच दिया गया है, वी निकल। ठीक है, तो यहां पर हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, यानी दर्पण सूत्र से वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू होता है। ठीक है, एफ दिया गया है 15 सेंटीमीटर, वी आपको निकालना है, यू कितना है आपका, यू है 1 अपॉन माइनस, ठीक है, 1 अपॉन यू आपका 1 अपॉन माइनस। ठीक है, वन अपॉन बी हो जाएगा बराबर, ठीक है, इसे आप इधर ले आएंगे, ठीक है, 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन माइनस 25। इसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन v = 1 अपॉन 15 + 1 अपॉन 25, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करेंगे फर्दर, ये हो जाएगा आपका 75 एलसीएम हो गया आपका 5 प्लस, तो ये आपका इस तरीके से आ जाए। वन अपॉन बी इक्वल्स टू 8/75, b इक्वल्स टू 75/8।
ये आपका इस तरीके से आ गया है, तो आपका वी आया है प्लस 9.37। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैग्निफिकेशन होगा आपका माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, माइनस वी अपॉन यू। यू कितना है आपका, यू है आपका माइनस 25। सॉल्व करेंगे 9.37 अपॉन 25 तो ये आपका आएगा 0.38 आया है और पॉजिटिव आया है, क्या है, लेस देन वन है, ये लेस देन वन है, तो आपका जो मैग्निफिकेशन आया है वो यहाँ पे लेस देन वन आया है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब होगा, ठीक है, प्रतिबिंब 1 के आकार से छोटा होगा, दर्पण के पीछे होगा, यानी आभासी प्रतिबिंब होगा, यानी आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, आभासी होगा, पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा, सीधा होगा, तब वस्तु के आकार से छोटा होगा। वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो आपको ये बताना है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या, आपका जो अवतल दर्पण होता है कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मान लीजिए फोकस है, ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आपका पोल है। अब कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, कि जो लाइट रेस है, प्रकाश की किरणें जो बेहद दूरी से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, वो जब दर्पण पे टकराती है, टकराने के बाद जिस बिंदु पे वो मिलती है उसे हम फोकस कहते हैं। तो मान लीजिए आपका दर्पण है, ठीक है, और किरणें
किरणें आ रही हैं, इस तरीके से आपकी किरणें आ रही हैं, आपको दिख रहा होगा, पैरेलल होंगी क्योंकि ये दूरी से आ रहे, बेहद दूर से। कहाँ पे मिल रही है? एक बिंदु पे, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस। तो जो है रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पे मिल रही है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद बिंदु जिस पॉइंट पर मिलती है, जहां पे कन्वर्ज होती है, उसे ही हम जो है प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, जिस पर सभी प्रकाश किरणें जो अक्ष के समानांतर हैं करीब होती हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसरित हो जाती है। यानी क्या कहा जा रहा है कि जो किरणें, ठीक है, जो किरणें जो है आपकी कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण पे पड़ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर है तथा उसके करीब है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद एक बिंदु पे मिलती है, और इस बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से जो है इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, यानी इसकी फोकल लंबाई क्या होगी या फोकल दूरी क्या होगी। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया, अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है नोट कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया गया है, आर कितना है 20 सेंटीमीटर, आपको एफ का मान निकाल, आप क्या जानते हैं एफ बराबर होता है आर बटा दो यानी आर बाय टू, या आप जो है यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे कितनी है 20 बटा 2 यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी जो फोकल लंबाई आई है या फोकल दूरी आई है वो कितनी आई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पे आपको ऐसे गोलीय दर्पण के बारे में बताना है जो कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही साथ आवर्धित यानी मैग्निफाइड इमेज बनाता है, यानी जो इमेज बनेगी वो वस्तु के आकार से बड़ी। हमारे पास दो प्रकार के दर्पण है, एक है आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है इस केस में, हर केस में वर्चुअल होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, लेकिन डिमिनिश्ड कैसा होता है, वर्चुअल होता है, आभासी यानी आभासी, सीधा होता है और छोटा। लेकिन अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो इस केस में जो आपका दर्पण होता है वो रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। लेकिन अगर हम वर्चुअल की बात करें तो वर्चुअल सिर्फ एक केस में बनता है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होती है,
उस केस में क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, सिर्फ एक केस में, सिर्फ एक केस में, जब वस्तु कहाँ होती है? फोकस और पोल के बीच में, यानी पी के बीच में, इन दोनों के बीच में होती है। अगर हम इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करें, वर्चुअल है यानी आभासी है, सीधा बनता है, इरेक्ट बनती है इमेज, साथ ही साथ कैसी इमेज बनती है? मैग्निफाइड यानी आवर्धित, ठीक है, कैसी बनती है? आवर्धित यानी मैग्निफाइड इमेज बनती है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में ही आपके पास सीधा और आवर्धित यानी मैग्निफाइड इमेज मिलती है, ठीक है। और कब मिलती है? जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम बताना है दर्पण, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते? यानी बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रेयर व्यू मिरर के तौर पर हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो हमने यहाँ पे दो केसेस देखे, इमेज फॉर्मेशन में दो केसेस पढ़े थे, यहाँ आपको दोनों केसेस में हमने क्या देखा था? दोनों यानी आपके पास दो केसेस थे। पहला था जब वस्तु को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है, अनंत और ध्रुव के बीच में, दूसरा जब इसे अनंत पे रखा जाता है। दोनों केसेस पे जो आपका प्रतिबिंब था वो आपको दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा था, यानी आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था दोनों केसेस में, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था और डिमिनिश्ड यानी छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिबिंब क्या बन रहा है? छोटा। अगर इसी तरीके से अगर हम किसी एक व्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? उस व्यू का प्रतिबिंब भी छोटा ही बनेगा, यानी एक बड़ा, जो बड़ा प्रतिबिंब है या बड़ा एरिया है उसका जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो एक छोटे से दर्पण में काफी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में हमें जो है सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज मिलती है, सिर्फ एक केस में आपके आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और इस केस में जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है यानी आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो इस के जो आपका ये कॉनकेव मिरर का केस है, यहाँ पर एक तो वस्तु को पास में रखना है, दूसरा प्रतिबिंब बड़ा मिल रहा है जिस कारण हमें एक जो है एरिया का प्रतिबिंब एक छोटे से दर्पण पे नहीं मिल पाता। इसी तरीके से प्लेन मिरर की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, उसमें क्या होता है? उसमें जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो उसी साइज का होता है जिस साइज की वस्तु है। तो बड़े एरिया का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अगर हम दर्पण इतना बड़ा लेंगे तो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का उपयोग ही आपका रियर व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है, ठीक है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है और एक बड़े एरिया का प्रतिबिंब एक छोटे से दर्पण पे हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। We preferred a convex mirror as a rear view mirror in vehicle because of two reasons. A convex mirror always produces erect image of the object. ठीक है, यानी हम जो है पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को दो कारणों से वरीयता देते हैं। उत्तल दर्पण सदैव वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पहली रीजन है कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। The image formed in a convex mirror is highly diminished and much smaller than the object, due to which a convex mirror give a wide field of view of the traffic behind. क्या कहा गया है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, ठीक है, यानी वस्तु के आकार से छोटा होता है जिस कारण
पीछे का जो आपका फील्ड व्यू है, जैसे कि ट्रैफिक है या कोई भी व्यू है, उसका वो प्रतिबिंब एक छोटे से दर्पण पे बना पाता है। अ कॉन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू सच लार्जर एरिया ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। और इस प्रकार का जो उत्तल दर्पण होता है वो ड्राइवर को मदद करता है कि वो पीछे का जो व्यू है उसे आसानी से देख। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में अत्यधिक छोटा या बहुत छोटा होता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण पीछे के यातायात का एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र देता है। एक उत्तल दर्पण चालक को उसके पीछे के यातायात के इतने बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। यानी आपसे क्या कहा गया है कि आपको एक दर्पण दिया गया है, उसकी आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी वक्रता त्रिज्या दी गई है, फोकस ज्ञात करना है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया गया है, एफ आपको निकाल। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे आर कितना है, 32 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एफ निकालना है। दर्पण कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स है यानी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका फोकस और जो फोकस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपका राइट साइड में होगा, ठीक है। राइट साइड में होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो ये आपका प्लस में होगा, ठीक है, प्लस। आप जानते हैं f बराबर होता है r बाय 2, ठीक है। 32 बटा 2 यानी 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, f। f कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यानी एक अवतल दर्पण, ठीक है, एक प्रतिबिंब बनाता है जिसका आवर्धन जो है 3 गुना, ठीक है, यानी 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब है, तथा वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। तो यानी आपको m दिया गया है 3, u दिया गया है 10, यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वस्तु दर्पण के आगे रखी जाए। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यानी आपको v का मान बताना है। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क जो है आपको इसे होमवर्क से करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है आपका जो ये चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।